लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस और विपक्ष ने मोर्चा संभाला। मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं बैठे रहे। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल गो बैक के जबरदस्त नारे लगाए, जबरदस्त विरोध किया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे रह गए। अखिलेश यादव ने कैसे प्ले कार्ड लहराते हुए जबरदस्त नारेबाजी की है सदन में, समाजवादी पार्टी ने कैसा विरोध किया है, आप सदन का हाल देखिए। फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त तंज कसा है। मंत्रिमंडल के साथ बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के तेवर कुछ और ही नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव आपको दिखाई दे रहे होंगे। अखिलेश यादव ने बाकायदा प्लेकार्ड भी पकड़ रखा है, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ है, ब्रजेश पाठक है, केशव प्रसाद मौर्य है, हर कोई मौजूद है। बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन सत्र है कि शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले ही समाजवादी पार्टी ने कैसे ढाबा बोला है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हाल देख सकते हैं। बता दें कि इस वीडियो को शेयर करते हुए न्यूज 24 ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश अभिभाषण के दौरान विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए लगे गो बैक के नारे। तो कैसे गो बैक के नारे बुलंद किए गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में दिखाई दिए और दे रहे होंगे। उनके मंत्री काफी हैरान परेशान है कि क्या से क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ कैसे आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, आप देख सकते हैं कि प्लेकार्ड लेकर पूरी तैयारी की गई है कि किस तरीके से राज्यपाल गो बैक के नारों के साथ बजट सत्र की शुरुआत में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये है 128 विधायक समाजवादी पार्टी के, जो कि 274 विधायकों पर भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं पूर्ण बहुमत से आई है, उस पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है सदन के अंदर का हाल। आपको सदन के बाहर की भी तस्वीरें दिखाती हूँ, कैसे खींचतान मची हुई है। जब चुनाव हार गए थे अखिलेश यादव तो साफ साफ कहा था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगी। तो सड़क से सदन तक ये लड़ाई कैसे चल रही है, आप ये वीडियो देखिए, छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कैसे खींचतान मची हुई है। पहले सदन के अंदर क्या हो रहा था और अब सदन के बाहर क्या हो रहा है, इसके बाद आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या सोचा था और कैसे अखिलेश यादव ने उनको उनकी जो भी उम्मीदें थी उस पर पानी फेर कर रख दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसी भयंकर खींचतान मची हुई है। ये विधानसभा का हाल है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर का हाल है, अंदर का हाल, बाहर का हाल, दोनों देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी ने
कमर कस ली है। महंगाई और बेरोजगारी से लेकर किस तरीके से सबको मिला जुला कर कैसे घेरा जा रहा है सरकार को, कैसे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें कि इन तस्वीरों को शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी, भर्तियों में हो रही धांधली, किसानों की दुर्दशा, रसातल में गई उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ विधानसभा में सपा विधायकों का विरोध प्रदर्शन, सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे समाजवादी। इसी तरीके से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से पत्रकारों तक पर हमला किया गया, मारपीट की गई, विधानसभा में ये पहली बार हुआ। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि विधानसभा में ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के ठीक सामने अखिलेश यादव ने इतना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। अब विरोध प्रदर्शन के बाद क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, वो भी सुनेगा। खबर देखिएगा, खबर में लिखा हुआ है कि यूपी बजट 2023, विधानसभा में भारी हंगामा, पोस्टर लेकर सपा विधायकों ने लगाए राज्यपाल गो बैक के नारे। खबर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होते विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। राज्यपाल गो बैक के नारे के साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसदों ने विधानसभा में तख्तियां भी दिखाई। हमने आपको वीडियो भी दिखाया कि क्या कुछ हुआ। लिखा है कि इससे पहले आज सुबह सपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले कहा था कि 11 बजे सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट सत्र की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए 22 फरवरी को सदन में बजट प्रस्तुत होगा। बजट पर दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद इसे पारित कर दिया जाएगा। तो प्लान तो बड़ा बनाया गया था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भी था कि चर्चा होगी, अभिभाषण होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया क्योंकि विरोध प्रदर्शन अखिलेश यादव की तरफ से इतना तगड़ा किया गया। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इस बजट सत्र की शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। अब इसी के साथ अखिलेश यादव ने कैसे तंज कसा है सीएम योगी आदित्यनाथ पर, उनका भी बयान सुनेगा। खबर में लिखा है कि अखिलेश यादव बोले, ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने, लिखा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1,00,000 करोड़ रुपए मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे। आप बताइए उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक भी मंडी बनाई है? दोनों सरकारों ने मिलकर हमारे गांव गरीबों को लूटा है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हाल ही में एक माँ बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई, क्यों? राज्य सरकार, प्रशासन और बुलडोजर के कारण। आप बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं इस उम्मीद में कि निवेश आएगा, आप लोगों को सपने दिखा रहे हैं, सिर्फ सपने दिखाए जा रहे हैं। रामराज का दावा किया जा रहा है लेकिन रामराज जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी ने कैसे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है आप तस्वीरें देख सकते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कैसे केंद्र से लेकर राज्य तक में बवाल मचा हुआ है आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल विपक्ष हमलावर है। इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।